हेलो एवरीवन, देसी कुकिंग विद एकदम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मसाला फिश कढ़ी की रेसिपी। देखने में जितना ही टेस्टी दिख रहा है, बनाने में उतना ही आसान है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और इससे सिंपल रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले हमें फ़िश को मैरिनेट करना है, तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़िश को अच्छे से धो कर के ले लिया है। यहाँ पर मैंने रोहू फिश का यूज किया है और आप चाहें तो इसमें कतला या आपको जो भी फ़िश पसंद हो आपको अच्छे से साफ़ करके उसे ले लेना है। तो यहाँ पर चलिए हम मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है नमक। नमक के साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ले लिया है और इन सबको अभी हमें मिक्स कर लेना है। हमारे जो फिश है उसमें हमें चारों तरफ से जो हल्दी नमक हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। अच्छे से हम मिला देंगे, हाथों की मदद से हम इसे अच्छे से रब करते हुए लगाएंगे ताकि जो नमक और हल्दी का टेस्ट है वो अंदर तक चला जाए। और यहाँ पर देखिए हमारा जो हमने मिक्स किया है वो अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरा अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। आप एक एक पीस को उठा करके हाथों से ऐसे रब करते हुए मसलते हुए आप लगा सकते हैं। हल्के हाथों से आपको करना है कि चारों तरफ से जो हमारा हल्दी और नमक है वो मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमने अपनी फिश को अच्छे से मैरिनेट करके रख लिया है। आप इसे 10 मिनट तक के लिए इस तरह से ढककर छोड़ सकते हैं। और इसे फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एज अ स्टार्टर के रूप में भी खा सकते हैं इसको। तो अब हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और कढ़ाई जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। तो आप जब भी ये यूपी बिहार वाला फिश बनाए ना तो आप उसमें सरसों का तेल का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और जब हमारा तेल जो बहुत अच्छा गर्म हो जाए, जब उसमें से धुआं आने लगे, तब आप एक एक करके इसमें फ़िश ऐड करिए। तो फ़िश फ्राई करने के टाइम पर हम 2 से 3 ही फ़िश इसमें डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हमें हाई पर रखना है और इसे हमें एक साइड से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, फिर दूसरे साइड से पलट करके हम इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने तेल डाला है ना वो बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो हमने ये फिश को डाला है ना वो नीचे से चिपक जाएगा। तो हमें इसे थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बस हिलाते हुए हम इसे नीचे से निकालेंगे और उसे हमें पलट लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक साइड से हमारा जो फिश है वो पक गया है, तो अभी हम यहाँ पर दूसरे साइड से इसको हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरे साइड से भी इसे पलट लिया है। इसे पलटकर हम 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम टू स्लो। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरे साइड से भी इसे पलट लिया है और ये दोनों साइड से अच्छा गोल्डन हो करके तैयार हो चुका है। ये देखिए कैसा कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन। तो इस स्टेज पे जब हमारी फिश आ जाएगी और ये बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर इसमें आ जाएगा, तब हम इसे वापस से पलट देंगे और पलट करके कुछ और थोड़ा सा हम इसे पका लेते हैं। फिर हम एक अलग बर्तन में इसे सेपरेट कर लेते हैं और इसी तरह से सभी जो फिश है उसके पीसेस को हमें फ्राई करके निकाल लेना है। मैंने सभी फिश के पीसेस को फ्राई कर लिया है और अब चलिए हम मसाला बनाते हैं इसका। तो यहाँ पर फिर मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार और इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं सरसों। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सरसों लिया है और हम ये जो ग्रेवी है वो सरसों में बनाएंगे, तो सरसों की जो क्वांटिटी है वो हमें ज़्यादा रखनी है। तो सरसों के साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ पर धनिया। तो हमने धनिया लिया है 1 चम्मच। जिस चम्मच से हमने 2 चम्मच सरसों लिया था उसी से हम 1 चम्मच धनिया लेंगे और साथ में हमने 10 से 15 काली मिर्च का दाना लिया है और साथ ही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं 1/2 छोटा चम्मच जीरा। यहाँ पर हम ले लेंगे अब 15 से 20 लहसुन की कलियाँ। तो हम यहाँ पर सरसों के मसाले वाली फिश कड़ी बना रहे हैं तो इसमें लहसुन का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और 7 से 8 मैंने लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इस जगह पर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं और हरी मिर्च से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो और ये सरसों मसाला वाला जो हम ग्रेवी इसका बना के तैयार करेंगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका टेस्ट बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा आता है। और साथ में हम 1 चम्मच इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर। आप यहाँ पर सूखी हुई आम की खटाई का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने आमचूर डाला है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एक अच्छा सा इसका बारीक सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना बारीक सा ये पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। बिल्कुल इस तरह से ही हमें पेस्ट बनाना है। इसका जो मसाला है वो बहुत ही बारीक हम पीस करके तैयार करेंगे।
इसका जो मसाला होता है ना, ग्रेवी का मसाला, हमें बहुत ही बारीक पीस करके तैयार करना है। जितना बारीक रहेगा उतना ही अच्छा आपका ग्रेवी बनेगा। और वापस से हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, और हमने उसी तेल का यूज़ किया है जिसमें हमने मछली फ्राई किया था। साथ में हम दाने डाल दिए मेथी के, एक चम्मच, एक छोटा चम्मच मैंने मेथी के दाने डाले हैं, और साथ में हमने एक लाल मिर्च का यूज़ किया है। इन दोनों को डालने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले जो हमने पीस कर रखा है। और आप अगर चाहें तो दूसरा तेल का भी इस पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी ये आप सरसों वाली फिश कड़ी बनाइए तो सरसों तेल में ही बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और मसाले ऐड करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर का यूज़ किया है, और साथ ही में हम डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है, आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च जो तीखी वाली होती है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सब मसालों को डाल करके हमें इसे मिक्स कर लेना है, और हमें इसे फ्राई करना है। अभी हम पानी का यूज़ इसमें नहीं करेंगे, इससे ही हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ेंगे कुछ 5 मिनट, और गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम। और मसालों को हमें ढक करके पकाना है, इसके अलावा हम इसमें अभी कुछ भी नहीं डालेंगे, बस हमें इसे ढक करके पकाना है। और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे इसे हम, देखिए यहाँ पर। और जब तक ये मसाला पूरा सूखा फ्राई हो ना जाए तब तक हम इसे ढक करके पकाएंगे। धीरे धीरे आप ढक करके पकाइए, और इसको पकने में टाइम लगेगा, 5 मिनट का टाइम आराम से इसमें लगेगा। तो आप इसे अभी ढक दीजिए, और ढक करके आप इसे पका सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुका है, और हमने ढक्कन हटाया तो देखिए हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे साइड साइड से चिपक गए हैं, और तेल भी देखिए हमारा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। तो अभी आप इसे एक बार वापस से चलाइए, और वापस से अभी हम खुला करके इसे पकाएंगे। इसी तरह से चलाते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। जो मसाले हैं अभी भी हमें इसमें पानी दिख रहा है, तो हमें एकदम सूखा मसाला करके तैयार करना है। वापस से ढककर हम पका लेंगे इसको, और यहाँ पर देखिए जो हमारा मसाला है वो पूरी तरह से सूख करके तैयार हो चुका है, और फ्राई भी हो गया है अच्छे से। इसे हमें 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करना है, ढक करके पकाते हुए, और बीच बीच में हम इसे चला लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगेगी। और अब देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, हमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके मसाले मिक्स करने हैं। और जितना अच्छा हमारा ये मसाला भून करके तैयार होगा उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अभी आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करिए, और पानी डालने के साथ आप इसे उबलने के लिए छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट। और यहाँ पर मेरा 1 से 1.5 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और इसे उबलने के लिए हम छोड़ देते हैं ढक करके। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो अच्छे से उबल कर तैयार हो रहा है, और यहाँ पर देखिए हमारा जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है इसमें। तो अब हम इसमें अपने फिश के जो पीसेस हैं वो ऐड कर देंगे। तो एक एक करके हम हमारे जो पीसेस हैं वो हम इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो मछली के पीसेस हैं हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमें पीसेस ऐड करके कुछ 1 मिनट ही पकाना है, तो हम सभी पीस को इसमें डाल देते हैं, और डालने के साथ हम इसे ढक करके 1 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे। बस 1 मिनट के अंदर हम गैस को बंद कर देंगे। और पर देखिए 1 मिनट हो चुका है, और हमने ढक्कन हटाया, और हमारी जो फिश कड़ी है वो बनकर तैयार है। और गैस को अब हम बंद करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डाल देंगे यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो मैंने हरा धनिया ले लिया है, बारीक में काट करके हम इसे ढक देंगे। तो ग्रेवी, जो मछली की हमारी ग्रेवी है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए उसकी उसकी थिकनेस। और हमें जो हमने पीसेस को डाला है उसे हमें पलटना नहीं है, वापस हम इसे थोड़ा सा डिप कर देंगे ऐसे, और फिर हम इसे ढक करके गैस बंद करके छोड़ देंगे। और ठंडी होने के बाद ये जो हमारी ग्रेवी है ना वो थोड़ी सी और थिकनेस इसमें आ जाएगी। तो आप उस हिसाब से ही इसको बंद करिएगा कि जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसका थिकनेस उस और मोटा हो जाएगा। तब यहाँ पर अभी हमने धनिया का पत्ता डाल दिया है, और अब हम इसे ढक करके कुछ 5 मिनट तक के लिए छोड़ देते हैं। पर हमारा फिश कड़ी बनकर तैयार हो चुका है। मैंने रोहू फिश का यूज़ किया है, जो कि ये मीठे पानी का फिश कहा जाता है इसको, और सरसों मसाला के साथ बना करके तैयार किया है। आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ खा सकते हैं।
मोस्टली इसे सब चावल के साथ खाना पसंद करते हैं। आपको जैसे अच्छा लगे आप रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। चावल के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप रेसिपी ट्राई कीजिए, और आपको अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाइए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यहाँ पर मेरा फिश कड़ी बन करके तैयार हो चुका है। ये जो हमारा फिश कड़ी है ना, हमने बिल्कुल गांव के जैसा बना करके तैयार किया है, बिल्कुल देसी अंदाज में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।